करेंगे अपना, वो भी थर्ड बुक का। थर्ड बुक का कौन सा? मॉडर्न इंडिया से देखेंगे हम लोग। मॉडर्न इंडिया से मतलब कहाँ से हमारा हो गया, महात्मा गांधी से हम बात करेंगे। कहाँ से उठाएंगे? महात्मा गांधी से देखेंगे, जो हमारा थर्ड बुक का चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या होना चाहिए, सबको अच्छी तरह से आना भी चाहिए। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, यानी कि चैप्टर का नाम है हमारा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, किन किन टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है। हमारे देखो जो टॉपिक हम देखेंगे, हमारा पहला टॉपिक कौन सा स्टार्ट होगा? महात्मा गांधी। जो हमारा पहला किससे पढ़ना है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के विषय में क्या क्या यहाँ पर पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी कब आते हैं भारत, क्योंकि महात्मा गांधी कहाँ थे 1893 में, कहाँ चले गए थे? वो साउथ अफ्रीका चले गए थे। कहाँ चले गए थे? साउथ अफ्रीका। और वहाँ से क्या होता है, 1915 में क्या करते हैं ये, भारत आते हैं लौट करके। 9 जनवरी को क्या करते हैं? भारत आते हैं लौट करके। तो इनकी हिस्ट्री पूरी देखेंगे, महात्मा गांधी अफ्रीका में कैसे उन्होंने सत्याग्रह को सक्सेस किया, फिर जाकर उसी अपने हथियार को क्या वहाँ करते हैं भारत में इंट्रोड्यूस करते हैं और काफ़ी सक्सेस रहते हैं। तो पहला टॉपिक हम ये देखेंगे महात्मा गांधी का। फिर दूसरे हैं गांधी जी एंड कहते हैं साउथ अफ्रीका, यानी गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या किया है, इन सबको देखेंगे कि वहाँ पर कैसे रहें, कैसे फेस किया प्रॉब्लम्स को, फिर वहाँ पर कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और पहले अपना कौन सा कह सकते हैं लेबोरेटरी पूरी तरह से कह सकते हैं महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका थी। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा कौन सा होगा, इंडिया एंड मोमेंट, यानी कि इंडिया में कौन कौन से मोमेंट महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किए गए होंगे, कौन कौन से मोमेंट चले भारत में, इनकी बात करेंगे। फिर देखेंगे स्वदेशी मोमेंट। स्वदेशी मोमेंट क्या होता है, जो बंगाल विभाजन के समय जो स्टार्ट हुआ था उस स्वदेशी मूवमेंट की बात करेंगे, वन बाई वन करेंगे। कैसे करजन रहता है उस समय, जो गवर्नर जनरल रहता है भारत का कौन होता है, करजन रहता है, और कब तक रहता है, 1899 से 1905 तक इसका टाइम पीरियड होता है, करजन का रहता है। तो उसकी बात करेंगे कि बंगाल विभाजन जो 1905 में होता है कौन करता है, करजन करता है। फिर कैसे स्वदेशी मूवमेंट कैसे स्टार्ट हो जाता है, तो स्वदेशी मूवमेंट भी क्या हो जाता है, इसी से स्टार्ट होता है, इसी से रिलेटेड होता है, इसके विरोध में जो मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है वही स्वदेशी मूवमेंट कहलाता है, उसको देखेंगे अच्छी तरह से। फिर गांधी जी अराइवल इन इंडिया, यानी महात्मा गांधी, जिसमें मैंने कहा कि महात्मा गांधी कब आ गए थे भारत, 1950 में भारत आ गए थे, तो उसको देखेंगे कैसे अराइवल होता है उनका भारत में। फिर कैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी आने के साथ ही महात्मा गांधी सबसे पहले कहाँ जाते हैं, 1916 में कहाँ जाएंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जाते हैं, जो मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था, इनाग्रेशन हो रहा था, इस सबसे पहले वहाँ जाते हैं। फिर देखेंगे महात्मा गांधी की स्टार्टिंग के मोमेंट कौन कौन से होते हैं, मोमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला जो मोमेंट होता है 1917 में चंपारण मोमेंट होता है। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन भी आते हैं, याद रखिएगा अच्छी तरह से, मैथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर कौन चंपारण मूवमेंट देखेंगे, महात्मा गांधी कहाँ चंपारण मूवमेंट करते हैं सबसे पहले बिहार में। फिर क्या होता है 18 में अहमदाबाद, कौन सा अहमदाबाद, और फिर 1918 में खेड़ा, ये तीन मूवमेंट क्या करते हैं महात्मा गांधी तुरंत स्टार्ट हैं। तो ये 17 से लेकर 18 तक कौन से होते हैं मूवमेंट को लीड करते हैं महात्मा गांधी। फिर हम अपना नेक्स्ट देखेंगे कौन सा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या, फिर रॉलेट एक्ट लगाया जाता है 1919 में, क्या होता है रॉलेट एक्ट लगाया जाता है, तो रॉलेट एक्ट के विषय में देखेंगे, और रॉलेट एक्ट से कैसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट रिलेटेड होता है ये सब देखेंगे, और साथ साथ में क्या था खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था, इन सब के विषय में क्या करेंगे हम अच्छी तरह से देखेंगे। और फिर चौरी चौरा मूवमेंट क्या था, कैसे चौरी चौरा मूवमेंट होता है जो 1922 में होता है, और नॉन कोऑपरेशन कैसे खत्म होता है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा एक खिलाफत मूवमेंट होगा जो मुस्लिमों के द्वारा स्टार्ट किया जाता है अली ब्रदर्स के द्वारा, और हिंदुओं के द्वारा स्टार्ट किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है, और कैसे दोनों मूवमेंट बाद में मर्ज हो जाते हैं, और बाद में कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो जाता है, और फिर खिलाफत को देखेंगे कैसे खिलाफत बंद होगा। इस तरह हम क्या करेंगे एक एक मूवमेंट को देखेंगे वन बाई वन। फिर क्या होगा आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखेंगे, यानी कि महात्मा गांधी का जो मूवमेंट था कह सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके विषय में देखेंगे कैसे महात्मा गांधी को एक नेशनलिस्ट लीडर बना देता है ये मूवमेंट, इसके विषय में देखेंगे। फिर कहते हैं गांधी जी एज ए कहते हैं पीपल्स लीडर, कैसे गांधी जी के बाद में क्या हो जाता है इनकी छवि बनकर निकलती है, कैसे निकलती है एज ए पीपल्स लीडर के रूप में निकलती है, तो एक टॉपिक हमारा ये भी कवर करेंगे यहाँ पे। फिर किसी बात करेंगे साइमन कमीशन की बात करेंगे, जो साइमन कमीशन का बात है 1928 में आता हमारा साइमन कमीशन, तो उसकी बात करेंगे कि क्यों पहले आ गया था, आना था इसको 28 में, सॉरी 27 में आ जाता है साइमन कमीशन इस पर, तो इसकी जो प्रॉब्लम होती है क्या, कमीशन की प्रॉब्लम क्या थी, कैसे व्हाइट पीपल होती है, तो व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, इसके दिन क्या करेंगे डिटेल हिस्ट्री देखेंगे। अपोजिशन ऑफ द साइमन कमीशन है कि अपोजिशन क्यों इसको अपोज किया जाता है, क्यों इसको विरोध किया जाता है, जैसे ही ये क्या करता है बॉम्बे पहुंचता है तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं साइमन गो बैक के नारे लगाते हैं, उसकी साइमन तुम वापस चले जाओ। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम थी कि इसको लोग इसके विरोध कर रहे थे, जैसे मैंने बताया इसको व्हाइट कमीशन कहा जाता था, तो व्हाइट कमीशन क्यों बोला गया होगा, क्योंकि इसमें क्या थे सब अंग्रेजी अंग्रेज थे, कोई हिंदू इसमें नहीं था कह सकते, इसलिए वो कोई इंडियंस नहीं थे, और ये आया किस लिए था, इंडियंस के लिए आया था, तो उसको भी देखेंगे।
अब ये इसलिए इसका अपोज किया जाता है। फिर लाहौर सेशन देखेंगे, लाहौर सेशन में क्या किया गया था, अब क्यों हम लोग इसकी भी हिस्ट्री समझेंगे, हम लोग अगर 26 जनवरी मनाते हैं तो क्यों इससे रिलेटेड कैसे है, इसको भी हम समझेंगे यहाँ पे। फिर महात्मा गांधी क्या करते हैं, अपना सबसे बड़ा मोमेंट यानी कह सकते हैं जो दूसरा सबसे बड़ा मोमेंट होता है, सिविल डिसोबीडेंट मोमेंट होता है, जो इसने क्या करते हैं महात्मा गांधी को वर्ल्ड वाइड फेमस कर देता है। तो इसके विषय में समझेंगे क्या कि सिविल डिसोबीडेंट मोमेंट क्या था, क्यों चलाया गया था, क्या क्या पॉलिसियाँ थी, इन सबको क्या करेंगे हम लोग अपने टॉपिक में कवर करेंगे। फिर हम सॉल्ट ट्रैवल देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे इसका, जो सॉल्ट का रिजल्ट क्या निकला, सॉल्ट मार्च से स्टार्ट किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, और ये देखेंगे कि सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट से कैसे रिलेटेड है, इसके विषय में देखेंगे यानी कि एक एक करके इसको भी समझेंगे। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, जब ये सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट स्टार्ट किया जाता था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का, लॉर्ड इरविन था। तो लॉर्ड इरविन के समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं जो ब्रिटेन में हो रहे थे, कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं। उन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के विषय में देखें कि महात्मा गांधी ने कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, तीनों किसने अटेंड किया, इन सब के विषय में क्या करेंगे वन बाई वन देखेंगे, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को समझेंगे अच्छी तरह से। फिर देखेंगे गांधी इरविन पैक्ट क्या होता है, जो गांधी इरविन पैक्ट का जो रिजल्ट चल रहा था, आखिर गांधी इरविन पैक्ट का रिजल्ट होता क्या है, ये सब क्या करेंगे हम इन सब में कवर करेंगे। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जैसे मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, तो क्या करेंगे हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के विषय में देखेंगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट का रिजल्ट क्या रहता है ये देखेंगे। फिर बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड की बात करेंगे, बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड मतलब जैसे वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हो गया था, 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, और कब तक चलता है, 45 तक चलता है, तो उससे क्या रिजल्ट निकलते हैं, कैसे हम लोग प्रेसाइज कर पाते हैं गवर्नमेंट को, किसको देखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा कौन सा, क्रिप्स मिशन होगा, तो क्रिप्स मिशन के विषय में देखेंगे, क्रिप्स मिशन का रोल क्या रहा, क्रिप्स मिशन का कैसे भारत पर क्यों आता है, किस लिए आया था क्रिप्स मिशन, चाहता क्या था, तो इन सब के विषय में देखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करेंगे, यानी कि बहुत सारे टॉपिक कवर करने के लिए यहाँ पे, जो हमारा नेक्स्ट कह सकते हैं क्विट इंडियन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, जो 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है मूवमेंट, ये यानी कि कह सकते हैं ऐसा मूवमेंट था जहाँ पर कोई लीडर ही नहीं था, ये अपने आप चल रहा था, यूथ ने इसे आगे बढ़ाया, सारे लीडर जेल में डाल दिए गए थे, इसको देखेंगे डिटेल स्टडी करेंगे। फिर कांग्रेस एंड कहता मुस्लिम लीग, जैसे वावेल प्लान देखेंगे, जो वावेल प्लान क्या आया था, क्या रिजल्ट रहता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, क्या क्या रिजल्ट निकलता है यहाँ पर। फिर हम देखेंगे जो हमारा संविधान बनाया जाता है, तो एक मिशन आता है कैबिनेट मिशन आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाती है, किस मिशन के तहत बनाया, कैबिनेट मिशन के तहत बनाया जाता है, कैसे अंग्रेज कहते हैं कि ठीक है हम आपके लिए कैबिनेट मिशन बनाएंगे भेजेंगे, जो क्या करेगा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा। तो इस तरह क्या था ये टॉपिक हम कवर, कैबिनेट मिशन को देखेंगे। फिर रिपब्लिक ऑफ इंडिया देखेंगे, यानी कि भारत हमारा रिपब्लिक कैसे बन गया, 1950 में क्या हो जाता है, इंडिया हमारा रिपब्लिक हो जाता है, इसके विषय में भी देखेंगे। इंडिपेंडेंस डे की बात करेंगे, इंडिपेंडेंस डे में आके क्या क्या विदेश में हो रहा था, महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था, इन सब के विषय में देखेंगे। फिर क्या था गांधी लास्ट मोमेंट, महात्मा गांधी के लास्ट मोमेंट क्या क्या थे, इन सबको देखेंगे। सोर्स ऑफ नोइंग क्या था गांधी जी, यानी गांधी को जानने के सोर्स देखेंगे, कैसे गांधी के विषय मालूम चलता है, जैसे गांधी जी ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, कई सारे इन्होंने लिखा है यहाँ पर, बाद में ऑटोबायोग्राफी देखो यहाँ पर है, इसके भी ये सोर्स हैं कह सकते हैं, वेरियस न्यूज़ पेपर हैं गांधी के, क्या है सोर्स थे, ऑटोबायोग्राफी हो गई, वेरियस न्यूज़ पेपर हो गए, पर्सनल राइटिंग हो गई उनकी, स्पीचेज हो गई, और गवर्नमेंट रिकॉर्ड हो गए। तो इस तरह कह सकते हैं इतने सारे टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं, कहाँ पे इस चैप्टर में कवर करेंगे, और इनको क्या करेंगे हम वन बाई वन क्या करेंगे स्टडी करेंगे। तो इतने सारे टॉपिक कह सकते हैं, इनको क्या करना है हमें वन बाई वन क्या करेंगे, इनको स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट